अक्सर लोगों की जिंदगी में पैसा उधार देने के बाद ये दो बड़े चमत्कार होते हैं। पहला चमत्कार तो ये होता है कि किसी ने आपसे मान लीजिए कि 1,000 रुपये उधार मांगे और उसने वादा किया कि मैं 5 दिन बाद आपको 1,000 रुपये दे दूंगा, और उसने अपने वादे के मुताबिक 5 दिन बाद आपको 1,000 दे भी दिए। तो पहली गलती तो आपसे होगी कि उसको आपने उधार दिया 1,000 का, और दूसरी गलती उस टाइम हो गई जब उसने 5 दिन बाद आपको 1,000 रुपये रिटर्न किया। आप बोलेंगे ये कैसी गलती, उसने तो के दिए हुए टाइम पे आपको पैसे वापस कर दिए। लेकिन जब उसने आपको 1,000 दिए तो अब उसकी वैल्यू 1,000 से बढ़कर 2,000 हो गई, और जिस दिन आपने उसने 2,000 आपसे उधार लिया और 2,000 वापस टाइम पे रिटर्न किया, तब उसकी वैल्यू 2,000 नहीं रहे, उसकी वैल्यू 5,000 हो गई, यानी वो आपसे 5,000 रुपये तक वापस ले सकता है। तो पहला चमत्कार तो ये हो गया कि आप जो भी देते हैं उसका हर बार डबल हो जाता है, और दूसरा चमत्कार ये हो जाता है कि आप जिसको पैसा उधार देते हैं उसके जीवन में जितनी समस्याएं हैं पैसा उधार देने के बाद सब की सब आपको सुनना पड़ती है। तो यदि इन दो चमत्कारों से आप बचना चाहते हैं तो उसी इंसान को पैसा दें जो मजबूरी में है। अगर जो हर बार इस ट्रेंड को उपयोग करके, इस तरीके को उपयोग करके आपसे पैसा ले जा रहा है कि नहीं मैंने पहले के भी दे दिए थे, 1,000 पहले के थे वो दिए थे ना टाइम पे, तो फिर 2,000 की वैल्यू हो गई, 2 से 10 हो जाएगा, और 10 से कब बढ़ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो इस चमत्कार को अपने जीवन में ना होने दें।